तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र। और जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं जो टॉपिक के ऊपर जो मैं वीडियो लेकर गया हूँ, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है, आज मैं स्पीडी सीपीयू के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पास जो बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ा कई बार उन लोगों ने फ़ोन भी करते पूछते हैं कि यदि हमारे पास कोई स्पीडी सीपीयू का मोबाइल फ़ोन आएगा तो स्पीडी सीपीयू को मोबाइल फ़ोन में हम लोग अनलॉकिंग कैसे करेंगे। ज़्यादातर मोस्टली जो टेक्नो हैं, इन्फिनिक्स हैं और या आईटेल के मोबाइल फ़ोन है, ये ऐसे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मोस्टली तुम्हारा एसपीडी सीपीयू लग के आ रहा है। तो आज दोस्तों जो मैं वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एसपीडी सीपीयू, हमारे पास कोई एसपीडी सीपीयू का मोबाइल फ़ोन आता है तो उस एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो बड़ा आपके लिए बड़ा यूजफुल है, जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट हैं सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इतना सीख जाएंगे कि और जो ऐसे लोग हैं जो बच्चे सीख करके आज अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ एक ऐसी अपडेट आई है, मैं उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब उनके पास मोबाइल फोन आता है तो हमको सपोर्ट के लिए फोन करते हैं। जब फोन करते हैं तो उनको हमें एक एक चीज करके बताता हूँ, एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, पांच बार बता दिया, लेकिन आप लोग उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसलिए सर मैं वीडियो ट्यूटोरियल लेकर गया हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप एसपीडी सीपीयू को जो मोबाइल फोन आएंगे उस एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन को आप कैसे लॉक तोड़ेंगे, उस मोबाइल फोन का लॉक कैसे तोड़ने वाले हैं। एसपीडी सीपीयू को जितने मोबाइल फोन आते हैं, एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन में भी अनलॉकिंग जो होती है दो तरीके से होती है, या तो आप सीपीयू वाइज कर सकते हैं या तो आप मॉडल वाइज कर सकते हैं। ज्यादातर मोस्टली हम लोग पहले फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं मॉडल को प्रायोरिटी देते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी जो होती है हम लोग सीपीयू को देते हैं। अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको उसका आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात एसपीडी सीपीयू के बारे में जान लीजिए। एसपीडी सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। एसपीडी बोलो या तो इसको यूनिशॉक भी कह सकते हो या तो आप इसको ट्रिगर भी कह सकते हो। ये तीनों जो हैं एक ही बात है, वो एसपीडी सीपीयू के अंतर्गत में ही आते हैं। एसपीडी सीपीयू को काम करने के लिए हमारा एसपीडी यूएसबी ड्राइवर काम करता है और इसका जो बूट की होता है वॉल्यूम प्लस प्लस वॉल्यूम माइनस और यूएसबी केबल। आप तीनों बटन, दोनों बटन को दबा के डाटा केबल जैसे लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन फट से कनेक्ट हो जाएगा। एसपीडी सीपीयू के लिए जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग डोंगल के माध्यम से डाउनलोड कर रहे हैं, तो डोंगल के माध्यम से आप जब सपोर्ट के अंदर जाएंगे तो दोस्त आपको वहां पर 1.0 ही वर्जन मिलेगा, सॉरी 0.1 वर्जन ही मिलेगा। लेकिन आप उससे ना जा करके आप रिपेयर माई मोबाइल फोन की वेबसाइट में जाइए और वहां पर आपको 0.7 और 0.9 दोनों वर्जन आपको अवेलेबल हैं। आप 0.9 अगर आप में सिस्टम में काम कर रहा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उससे नहीं हो रहा तो 0.7 है तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, तब भी हद तक आप मोबाइल फोन में एसपीडी सीपीयू को रिपेयर कर पाएंगे। अब कैसे रिपेयर करेंगे मैं उसको आपको तरीका बताता हूँ। इसमें से आपके दो हिसाब से मोबाइल फोन ठीक कर सकते हैं, सीपीयू के हिसाब से कर सकते हैं, मॉडल के हिसाब से करते हैं। ज्यादातर अगर हॉट तौर पर देखा जाए तो जो तुम्हारे इन्फिनिक्स के मोबाइल फोन आ रहे हैं, टेक्नो का मोबाइल फोन आ रहे हैं, आईटेल के मोबाइल फोन आ रहे हैं, ये मोबाइल फोन देखने में बहुत छोटे हैं क्योंकि 6,000 7,000 8,000 रेंज के मोबाइल फोन हैं, लेकिन उस मोबाइल फोन में दिक्कत होती है, पैटर्न लॉक लग जाता है। पैटर्न लॉक लग जाता है तो कई बार उसको हार्ड रीसेट करो तो हार्ड रीसेट हो जाता है, तो उसमें से FRP लग जाता है। इस दोनों तीनों मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा लॉक परेशान करने वाला आता है वो होता है तुम्हारा FRP और पैटर्न। FRP पैटर्न को कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका आज मैं आपको दोस्तों में वीडियो में लेकर गया हूं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्सेस आपको कराए जाते हैं। ये दोस्तों मैं वीडियो ट्यूटोरियल इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ मैं अपने स्टूडेंट को कुछ सिखा सकूँ, उनको बेहतर कर सकूँ। स्टूडेंट के लिए मैं अपडेट क्लास भी इसी तरीके से देता रहता हूँ ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो सीख के गए हुए हैं, अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशली इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के ऊपर वीडियो में लेकर के आया हूँ, और स्पेशली जो वीडियो लेकर गया हूँ मैं एसपीडी सीपीयू के ऊपर लेकर गया हूँ। आप एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन को कैसे अनलॉक करेंगे उसका तरीका दोस्तों हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग चलते अपने टॉपिक के ऊपर और अपने वीडियो के ऊपर, और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो में समझने सीखने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन है, इस लैपटॉप की स्क्रीन को सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। जब हमारा सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, तो सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एसपीडी सीपीयू को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे लोग हैं सब लोग आप गूगल पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? गूगल पर जाएंगे। गूगल इस तरीके से खोल लेंगे। गूगल पर जाने के बाद यहाँ सर्च करेंगे यूएमटी प्रो डोंगल्स लेटेस्ट सेटअप रिपेयर माई मोबाइल। आप इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे। तो सबसे नीचे आ जाएंगे तो अगर आप नीचे अगर आप देखेंगे वहाँ पर सर सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, ना दिखाई दे तो आप जूम भी कर दीजिएगा। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इसके एसपीडी सीपीयू के ऊपर जो ये दो सेटअप दिए हुए हैं, एक है 0.9 0.7, आप इसमें से डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड करने के बाद इसको आप उपयोग करेंगे। आप इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड करने के लिए ऐसा सेटअप खुल गया जाएगा। आप इसको डाउनलोडिंग पे लगा देंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर देंगे, तो इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के आ जाएगा। और देखिए मैंने नीचे खोल रखा है, ये देखिए इस तरीके से खुल जाएगा। इसके माध्यम से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं वो एसपीडी सीपीयू का ये मास्टर है, यूनिशॉक मॉड्यूल 0.9। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। आप सबसे पहली बात दोस्तों फ्लैश मोड टैब में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? फ्लैश मोड टैब में जाएंगे। अब फ्लैश मोड टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप मॉडल पर जाएंगे। यहाँ पर मॉडल पर देखिए ये तुम्हारे इन्फिनिक्स का जो मॉडल है, इन्फिनिक्स पर क्लिक करेंगे। इन्फिनिक्स के जितने भी सारे जो रनिंग मॉडल आ रहे हैं, जैसे इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले या NFC हॉट 12 प्ले, हॉट 10i, NFC हॉट 10i, स्मार्ट 6, स्मार्ट 7, जितने सारे मॉडल हैं सारे मॉडल आ चुके हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, अगर आपके पास आईटेल का मोबाइल फ़ोन आता है तो आप आईटेल पे चले जाएंगे। अगर आईटेल में यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आईटेल के कितने सारे एसपीडी सीपीयू के सारे मॉडल आ चुके हैं, उन सारे मॉडल को वन बाय वन करके देख लेंगे। जिसमें विजन के तो बहुत सारे मॉडल आए, विजन मोबाइल फ़ोन काफ़ी बिकता है आईटेल में से, तो ये सारे मोबाइल फ़ोन तो आप इसके माध्यम से आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर आईटेल के बाद यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन आ जाता है टेक्नो, तो आप यहाँ पर टेक्नो पर चले जाएंगे। देखिए टेक्नो के बाद देखिए टेक्नो को ये BigC, BSU2, BD1, BD5, टेक्नो को Spark 10C, Spark 8C, Spark 8Go 2024, ये कितने सारे मॉडल इसके अंदर ऐड हो गए हैं, जिसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन के अनलॉकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अगर आपके पास माइक्रोमैक्स का मोबाइल फ़ोन आता है तो माइक्रोमैक्स के जो एसपीडी सीपीयू के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी कौन से रनिंग मॉडल हैं, जैसे नोकिया का मॉडल दिया हुआ है। नोकिया के देखिए, नोकिया के जितने भी सारे मॉडल थे, C10 था, C2 था, C20 था, C20 प्लस था, C21 था, C3 थे, जितने भी जो ऐसे मॉडल थे वो सारे मॉडल इसके अंदर ऐड हो गए हैं ऑलरेडी। अब उसके बाद और भी कौन से मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ जो ज़्यादा अब तक हमारे मोबाइल फ़ोन में, शाओमी, लो भैया शाओमी ने भी एक Q1 First Plus, ये भी इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। शाओमी का अब तक कोई एसपीडी सीपीयू का मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन आज मैंने इसको भी देख लिया, ये भी इसके अंदर आ चुका है। अब मान लीजिए तुम्हारे पास कोई रियलमी का मोबाइल फ़ोन आता है तो आप रियलमी पे चले जाएंगे। देखिए रियलमी के तो एसपीडी के बहुत सारे फ़ोन आते हैं, देखो C11, C25, C30, C33, 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 C33,
माध्यम से हम लॉकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ एसपीडी सीपीयू के सैमसंग के मोबाइल फोन, सैमसंग के मोबाइल फोन में एसपीडी सीपीयू कहते हैं। देखिए मैं सैमसंग पे चला जाता हूँ, ये देखिए और गजब
तो यहाँ पर सैमसंग के जितने सारे मॉडल जैसे A032, A03, A35, 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 X02, ये जितने सारे मॉडल हैं ये सारे स्पीडी सीपीयू के मोबाइल फोन के मॉडल इसके अंदर ऐड हो गए हैं, जो स्पीडी सीपीयू के मोबाइल फोन को आप इसके माध्यम से FRP हटा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, जो भी समस्या आती है। तो देखिए कितने सारे रनिंग मॉडल हैं, सारे मॉडल यहाँ से आप कर सकते हैं। अब उसमें से आप क्या करना चाहते हैं, आप उसमें मोबाइल फोन में से आप उसका FRP हटाना चाहते हैं, आप मोबाइल फोन में पासवर्ड तोड़ना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सी बात, मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन आ गया तो मैं इन्फिनिक्स लेने वाला हूँ। जैसे मैंने इन्फिनिक्स ले लिया, इन्फिनिक्स लेने के बाद मेरे पास जैसे स्मार्ट 7 मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्ट 7 फ़ोन को ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्या करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेफ मोड फॉर्मेट यूजर डाटा करना चाहते हैं, या FRP को रिमूव करना चाहते हैं, इसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं आप यहाँ से सेफ मोड फॉर्मेट ले लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आपके सॉफ्टवेयर चलेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके डाटा के भी लगा देंगे, लाइन चल रही है, बस आपका मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। इसमें से देखेंगे T604 CPU लगा हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मान लिया एग्जाम्पल सी बात, अब मान लिया ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अब उस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीडी CPU लगा है लेकिन वो मॉडल यहाँ पर है नहीं, आप क्या करेंगे? तो ये CPU के हिसाब से रिपेयरिंग करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोग देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जेनेरिक बाई CPU में जाना पड़ेगा। देखिए मैं इस चीज को हाईलाइट भी करता हूं, ये जो सारा काम है ये तुम्हारा मॉडल वाइज है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ये तुम्हारा CPU के हिसाब से, किसके हिसाब से? CPU के हिसाब से। कैसे CPU के हिसाब से? देखिए मैं लेता हूं, यहां पर आप क्या करेंगे, जेनेरिक CPU ले लेंगे। जेनेरिक CPU लेने के बाद देखिए CPU आपके पास कौन सा CPU आ गया है, जो CPU आ गया है 310, 606, ठीक है 606, टाइगर 610, जो भी आपके सामने जो CPU आ गया है उस CPU को यहाँ से आप क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे आप CPU को ले लेंगे, उस CPU लेने के बाद आप इसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, CPU के बारे में कैसे जानेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया एग्जाम्पल सी बात आती है, मेरे पास इन्फिनिक्स का एक मोबाइल फ़ोन आ जाता है या मेरे पास रियलमी का मोबाइल फ़ोन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी यहीं पर गूगल पर सर्च करके दिखा देता हूँ। मान लिया मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया रियलमी C35 मोबाइल फ़ोन आ गया, हमने यहाँ पर गूगल पर गए, गूगल पर हमने सर्च कर दिया रियलमी C35 GSM अरीना। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने रियलमी C35 GSM अरीना सर्च किया तो ये हमारे सामने रियलमी C35 मोबाइल फ़ोन खुल गया। दिखने में तो बहुत अच्छा है, नाम बड़े दर्शन थोड़े, ऐसा खेल है इसमें। अब यहाँ पर C35 में जाएंगे तो C35 में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा जो CPU लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टिगर 616। क्या लगा हुआ है? टिगर 616। ये तुम्हारे बुद्धि में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिशॉक टिगर 616। अब 616 तुमने ले लिया, 616 लेने के बाद अब तुमको क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर खोला। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद तुमने जेनेरिक CPU ले लिया। जेनेरिक CPU लेने के बाद देखिए टीगर 616 मैंने पहले ले रखा है, आप यहाँ पर जाइए टीगर 616 ले लीजिए। 616 लेने के बाद आप अपने यहाँ पर टीगर 616 ले लिया। अगर मान लिया XYZ इससे नहीं ठीक होता किसी कारण बस, तो आप क्या करिए, आप टीगर 616 वर्जन 2 को ले लीजिए। अगर आपने टीगर 616 वर्जन 2 ले लिया या टीगर 616 ले, दो में से एक में आपका पक्का हो जाने वाला है। फिर यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, मोबाइल फ़ोन में अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सेफ मोड फॉर्मेट यूजर डाटा में कर दीजिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन में से FRP हटाने वाले हैं तो आप FRP को कर दीजिए। जिस चीज़ को आप करना चाहें तो उस चीज़ के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इस तरीके से जितने भी SPD CPU को मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे SPD CPU को मोबाइल फ़ोन में से लॉक, FRP, पैटर्न, पिन, दुनिया भर का कोई भी लॉक लगा हो, सारे लॉक को आप ऐसे चुटकियों में तोड़ सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो ये दोस्तों जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये मैंने CPU के हिसाब से बताया है और आपका मॉडल नंबर सिलेक्ट करके भी बताया है, जिससे आप एक काम को 5-10 अलग अलग रास्ते से कर सकते हैं। जब 5-10 अलग अलग रास्ते से कर सकते हैं तो वो तरीका आपका सुपर होगा, वो तरीका आपका बेस्ट होगा।
इसके माध्यम से जो भी फोन आपके पास ठीक होने के लिए आएंगे आप उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आपको काम करने में दोस्त कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए टू जेड कोई भी फ़ोन आएंगे सभी मोबाइल फ़ोन की आप इस तरीके से अनलॉकिंग कर सकते हैं। स्पीडी सीपीयू के बारे में, किसके बारे में कर सकते हैं, स्पीडी सीपीयू कई बार हम लोग देखते नहीं कर पाते बच्चे लोग, तो मैंने आप लोगों के लिए सर ये बताया हुआ है। इसके लिए आप जो मॉडल यूज़ करेंगे वर्जन 0.9 या 0.7 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो भी मॉडल आता है तो पहले बात आप ब्रांड के हिसाब से ले लीजिए, अगर ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर ब्रांड के हिसाब से नहीं कर सकते तो दोस्त परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फिर आप सीपीयू के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको एक काम करने को दो दो रास्ते बता रखे हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल सी बात मैं कहता हूँ कि मान लिया मेरे पास मोबाइल फ़ोन सैमसंग का आ गया, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आ गया, तो चलिए हम लोग फिर अपने वही गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर सर्च किया जैसे सैमसंग A03S GSM Arena, जैसे मैंने सर्च किया। अब मैं इसकी भी कहानी देख लेता हूँ, इसमें A03S GSM Arena हम यहाँ पर गए तो इसके अंदर जो CPU लगा भाई MediaTek का CPU लगा, तो ये SPD के कैटेगरी से बाहर है। चलिए सैमसंग A03 कोर A03 कोर जी एस एम अरीना इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा CPU लगा है। इसके अंदर देखिए भाई तुम्हारा SPD CPU लगा है, क्या लगा है, SPD CPU लगा है। अगर SPD CPU को बात करेंगे तो इसमें CPU का जो नंबर है यूनिशॉक, कौन सा नंबर है भैया तुम्हारा, यूनिशॉक SC9863A, क्या CPU का नंबर है, यूनिशॉक SC9863A। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सर, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा नंबर। आप देखिए ये मॉडल देख लीजिए, ये तुम्हारा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में लॉक लग गया है। अब इस लॉक को तोड़ने के लिए हम लोग UMT के माध्यम से लॉक को कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका जानना है, तो हम लोग फ्लैश मोड में गए, जेनेरिक क्वालिकॉम में गए, यहाँ पर CPU में गए। यहाँ पर CPU में जा करके देखेंगे 9863A, यही नंबर था ना। चलिए अगर नहीं ना आपको दोबारा कन्फर्म आ रहा तो फिर मैं गूगल खोलता हूँ। चलिए अपना गूगल कहाँ भाग के जाने वाला भाई, देखिए 9863A फिर से देख लीजिए, 9863A में जाने के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपका कौन सा नंबर दिया हुआ है, SC9863A आपने ले लिया ना भैया। अब देखिए यहाँ पर 9863A के दो वेरिएंट हैं, एक SC9863A64 SC9863A64 वर्जन 2। तो अब इसमें SC9863A वर्जन 2, अब इसके तीन वेरिएंट दिए हैं, तो आपको दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तीन चार चार वेरिएंट दिए, तुम्हारा तो वैसे ए था तो आप अपने ए वालों को ले लो। अगर तुम्हारे पास ऐसे अलग अलग जो भी वेरिएंट आते हैं कोई भी वेरिएंट को ले सकते हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से लेने के बाद और यहाँ से तुमको क्या कर लेना है, रिमूव FRP, उसके बाद क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप बड़ा इजीली तरीके से SPD CPU के कोई भी मोबाइल फ़ोन को आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम लोग UMT डोंगल के माध्यम से SPD CPU को कैसे रिपेयर करने वाले हैं, SPD CPU को लॉक कैसे तोड़ने वाले हैं, जिसमें से जो मैंने खास तौर पर जो मैंने आपको SPD CPU के बारे में बताया है वो मैंने 5-6 चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, आपको मैं लिखा देता हूँ। SPD CPU को कोई भी मोबाइल फ़ोन आते हैं वो तुम्हारे इन्फिनिक्स मोबाइल फ़ोन आ जाए, टेक्नो आ जाए, आईटेल आ जाए, सैमसंग आ जाए, रियलमी आ जाए, ETC कोई भी मोबाइल फ़ोन, ये तो बहुत हॉट मोबाइल फ़ोन SPD CPU के हैं, ये मोबाइल फ़ोन जितने हैं 6,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया के मोबाइल फ़ोन के बजट के मोबाइल फ़ोन है जो कस्टमर सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ही लेता है।
छोटे सस्ते के चक्कर में ले लेता है, बाद में लॉक लुक लगा के भूल जाता है, फोन हैंग होने लगता है, तो फॉर्मेट फॉर्मेट करके हम लोग उसे ठीक कर देते हैं। अब दूसरी बात क्या रहता है, इसमें हम लोग सीपीयू को भी रिपेयर करते हैं, सॉरी सीपीयू के माध्यम से भी मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, कि मतलब सीपीयू के माध्यम से जो भी होता है उस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप उसको मॉडल वाइज भी कर सकते हैं और सीपीयू वाइज भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एसपीडी सीपीयू के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि एसपीडी सीपीयू को आप कैसे रिपेयर करेंगे, या इसके माध्यम से जितने भी एसपीडी सीपीयू के मोबाइल फ़ोन आएंगे उनको आप किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, या उन मोबाइल फ़ोन को आप कैसे ठीक कर पाएंगे। जहाँ पर मैंने आज आपको बताया हुआ है, ये हॉट एसपीडी सीपीयू के जो मोबाइल फ़ोन है वो तुम्हारा इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, आईटेल है, रियलमी है, सैमसंग है, ये ऐसे काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉक लग जाता है तो लॉक को कैसे तोड़ा जाएगा UMT के माध्यम से। तो आज मैंने UMT को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके मैंने आपको पूरा तरीका बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है वो आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितने भी सारे बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, उनको हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक उनको हम कंप्लीट मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं, और मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने का टेक्निक क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कैसे दोनों माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे, कैसे आप उस पर काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पूरा कंप्लीट सीखते रहिए, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं सीख रहे हैं तो वीडियो को अच्छे से नोट करते रहो, सीखते रहो। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप फ्रेशर हैं या इस लाइन में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या बेसिक जानकारी रखते हैं या पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग नहीं कर पाते, या आपके पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन तो आते हैं लेकिन उस मोबाइल फ़ोन को झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन उठा करके मार्केट में जा करके मोबाइल फ़ोन लॉक खुलवाते, तुमको पता है तुम लॉक खोल लेते हो लेकिन तुम कहीं नहीं खोल पाते हो, तुम सीखा नहीं है। जब तुम उसी को सीखा नहीं है, उसी को समझा नहीं है, तो कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। और ऐसे दोस्त ना काम करके आप हमेशा समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा दुविधा परेशानी में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप सोचते सब कुछ है कि मैं इस काम को कर लूँगा और ऐसे हो जाएगा, मैं YouTube में मैंने ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, लेकिन सर जी उससे देखने से क्या होगा, ऐसे कब तक समय चलेगा? अगर आप पूरा कंप्लीट बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें, और एक बार अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर स्क्रीन नंबर पर संपर्क करें। और जो ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे पास सजी दिन में बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, जिसमें से मैं डेमो क्लास इसलिए डालता हूँ ताकि हमारे जो दूर दराज के बच्चे हैं जो आगे देखना चाहते हैं कैसे ट्रेनिंग होता है, किस तरीके सिखाया जाता है, सर कैसे सिखाएंगे, वहाँ पर क्लास का माहौल क्या होता है, तो आप आ करके उन सब चीज़ों को देख सकते हैं और पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीख सकते हैं। ये सजी जो वीडियो हैं ये आपको ट्रेनिंग पर्पज़ पे हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक ताकि वीडियो आपको और भी लोग को इस बारे में जानकारी मिल सके, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में लोग सीख सकें और कितना इजी से रिपेयर किया जाता है उसका मोबाइल फ़ोन को, तो रिपेयर करने का क्या तरीका है। यहाँ पर आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग है, पूरा चिप लेवल है, एडवांस लेवल है, हर तरीके से आपको दोस्त आपको सिखा के भेजा जाएगा। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, और हमारी वीडियो को शेयर करें, अपनी स्टोरी पे भी लगाएं या और लोगों को भी वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, ताकि अगर हम आपको सीखने सिखाने में इतनी मदद कर रहे हैं तो आप भी वीडियो को शेयर करिए, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।